तो दोस्तों, देश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। कर्नाटक इलेक्शंस में कौन सरकार बनाएगा आज, येदियुरप्पा ने शपथ तो ले ली है लेकिन उन्हें एक फ्लोर टेस्ट पास करना होगा और उसके बाद ही वो लंबे समय तक सीएम के तौर पर कार्यरत रह पाएंगे कर्नाटक में। और इसी बीच एक बयानवीर फिर से वापस आ चुके हैं जिनका नाम है यशवंत सिन्हा, जिन्होंने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। वो फिर से एक बार नरेंद्र मोदी के ऊपर चढ़ बैठे हैं और उन्होंने एक बयान दिया है। हमारे देश में बरगद के पेड़ की बहुत कीमत होती है, उसे पूजा जाता है क्योंकि वो हमें कुछ सिखाता है। वो हमें ये सिखाता है कि आप जितने बड़े होते जाओ, जितने वृद्ध होते जाओ, जितने ऊँचे होते जाओ, उतना ही अपनी जड़ों को नीचे जमाते जाओ। अपने बरगद के पेड़ की दाढ़ी देखी होगी, वो उसे कभी भी ज़मीन छोड़ने नहीं देती है, वो नीचे लटकती है और ज़मीन तक चली जाती है। तो ये बरगद के पेड़ की महत्ता है और यही भारत में जो पॉलिटिशियंस हैं, जो वृद्ध हो गए हैं और जो अपने अनुभव से मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको समझना चाहिए। लेकिन यशवंत सिन्हा एक अलग ही ब्रीड हैं। वो फिर से नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कस रहे हैं। तो उन्होंने कहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन कर्नाटका टुडे इज अ रिहर्सल ऑफ व्हाट विल हैपन आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस इन दिल्ली। यानी वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि कर्नाटक में जो हो रहा है, और वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है लेकिन उनका मतलब स्पष्ट शब्दों में यही है कि हॉर्स ट्रेडिंग जो कर्नाटक में हो रही है, वैसी ही हंग असेंबली 2019 के इलेक्शंस में होने वाली है और हॉर्स ट्रेडिंग उस समय भी की जाएगी। तो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, यशवंत सिन्हा की कहानी, 1989-90 का दौर, और किस प्रकार से, जिस प्रकार यशवंत सिन्हा हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और किसी प्रकार के शब्दों में ये बात कह रहे हैं, उसी तरीके से हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार यशवंत सिन्हा के साथ भी हॉर्स ट्रेडिंग की गई थी राजीव गांधी के द्वारा। जन मोर्चा नाम की पार्टी बनाई वीपी सिंह ने अरुण नेहरू और आसिफ मोहम्मद खान के साथ। कुछ ही समय बाद ये पार्टी कुछ और दलों के साथ मर्ज हो गई और जनता दल बना 11 अक्टूबर 1988 को। जन मोर्चा, लोक दल और जनता पार्टी, ये तीनों मर्ज होने के बाद जनता दल बन गया। अब जनता दल अपनी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ाने लगा और इसने कोलिशन कर लिया, यानी गठबंधन, तेलुगु देशम पार्टी, डीएमके, असम गण परिषद, इस प्रकार की कई पार्टीज मिल गई और एक कोलिशन बना लिया। बीजेपी ने बाहर से सपोर्ट किया और लेफ्ट ने भी बाहर से सपोर्ट किया और इस कारण से वीपी सिंह जो कि मंडल कमीशन लेकर आए थे, उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला 2 दिसंबर 1989 को और वो करीब एक साल तक प्रधानमंत्री रहे। 10 नवंबर 1990 को उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। अब यशवंत सिन्हा जो थे, इन्होंने जनता दल जो कि वीपी सिंह की पार्टी बन गई थी मर्ज होने के बाद, वीपी सिंह उसका नेतृत्व कर रहे थे, जनता दल को 1989 में ज्वाइन किया था जो कि वीपी सिंह के समय चलाई गई पार्टी थी। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। इसके बाद अडवाणी का, यानी लाल कृष्ण अडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया जाता है वीपी सिंह और लालू प्रसाद यादव के कहने पर, और उसके बाद बीजेपी सपोर्ट वापस ले लेती है। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन संसद में लेकर आया जाता है और सपोर्ट लेने के बाद, यानी बीजेपी के वापस सपोर्ट खींच लेने के बाद, सरकार गिरने के चांसेस नहीं थे, लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया उसके अंदर 58 एमपीज ऐसे थे जनता दल के, यानी वीपी सिंह के खुद के एमपीज ऐसे थे जिन्होंने सपोर्ट वापस खींच लिया, अगेंस्ट में वोट डाल दिया वीपी सिंह के। और उसके बाद चंद्रशेखर के साथ मिलकर, चंद्रशेखर जो कांग्रेस के सपोर्ट से प्रधानमंत्री बने थे, तो 58 एमपीज ऐसे थे जिन्होंने जनता दल छोड़कर चंद्रशेखर के साथ मिलकर कांग्रेस के सपोर्ट से एक सरकार बनाई जिसका जो मुखिया था, जो प्रधानमंत्री बना था, वो चंद्रशेखर थे। ये सरकार भी करीब कुछ महीने ही चल पाई थी और कांग्रेस ने सपोर्ट वापस ले लिया था
1991 में फिर चुनाव हुए थे और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों, जिन 58 एमपीज ने ये काम किया था कि जनता दल के सपोर्टर होकर भी उन्होंने जनता दल को वोट नहीं डाला था, कांग्रेस के साथ मिल गए थे, उनमें यशवंत सिन्हा भी थे एक एमपी। तो अब दोस्तों, राजीव गांधी ने 58 एमपीज की हॉर्स ट्रेडिंग की थी और उन्हें कहा था कि वीपी सिंह के अगेंस्ट वोट डालना है, हम आपकी सरकार बनवा देंगे, चंद्रशेखर आपके लीडर होंगे और आपको सरकार बनाने का मौका मिलेगा, हो सकता है कुछ लेन देन हुआ हो, कुछ पैसों की खरीद फरोख्त भी हुई हो, हम कह नहीं सकते, जैसा कि आज कर्नाटक में हम कह नहीं सकते, लेकिन यशवंत सिन्हा कह रहे हैं तो उन्हें कुछ पता होगा, उन्हें ज़रूर पता होगा कि किस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग की जाती है, किस प्रकार से रुपयों का लेन देन जो होता है वो किया जाता है। 1989-1990 की ये बात है, यशवंत सिन्हा साक्षात एक हॉर्स ट्रेडिंग का मटेरियल बनकर हमारे सामने, जो सर्वप्रथम हॉर्स ट्रेडिंग हुई होंगी उनमें से एक हैं और वो आज यही बात दोहरा रहे हैं। किस मुंह से, हम नहीं जानते, उन्हें बरगद के एग्जाम्पल से समझना होगा कि किस प्रकार से एक वरिष्ठ पॉलिटिशियन को काम करना चाहिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर।